प्रिय मित्रों, आज कलीसिया एपिफेनी या प्रभु प्रकाश या ईश्वर के स्वयं प्रकटीकरण का पर्व मनाती है। इब्रानियों के नाम पत्र के प्रारंभ में ही हम पढ़ते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वो हमसे पुत्र द्वारा बोला है। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर विविध रूपों में और क्रमशः स्वयं को प्रकट करता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 16 से 25 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर के दर्शन पाने के लिए सीनै पर्वत के पास एकत्र इसराइली जनता भय से कांप रही थी, क्योंकि ईश्वर के सान्निध्य से पर्वत से धुआं उठ रहा था, पहाड़ जोर से कांप रहा था, तुरही का निनाद बढ़ता जा रहा था और मूसा से ईश्वर मेघ गर्जन में से बोल रहा था। लेकिन हजारों वर्षों बाद ईश्वर का एक दूसरा रूप मनुष्य ने बैतलहम की चरनी में देखा, एक असहाय पराश्रित बच्चे के रूप में। शांति का दूत बनकर वो सबको अपनी ओर खींच रखा था। आज के दिन प्रभु येसु के तीन प्रकार के स्वयं प्रकटीकरण की याद की जाती है। एक, तीन ज्योतिषियों के सामने यीशु की उपस्थिति। यहूदियों के नवजात राज शिशु के दर्शन और उनकी आशीष पाने के लिए सुदूर देशों से ये गैर यहूदी ज्योतिषी आए। वे समझ गए कि असल में ये राज शिशु है। उन्होंने तीन वस्तुओं की भेंट चढ़ाकर प्रतीकात्मक रूप से यह घोषित किया कि यह शिशु तो ईश्वर, लोबान धूप है और राजा सोना है और मृत्युशील शरीर वाला गंतरस मनुष्य है। लोबन धूप के रूप में ईश्वर को चढ़ाया जाता है। सोना धरती पर राजत्व का प्रतीक माना जाता था और गंतरस तो मृत शरीर के संलेपन में काम आता था और इसलिए वो मृत्यु का प्रतीक था। यह मुख्य बात यह है कि मनुष्य बने ईश्वर सुत ने सर्वप्रथम गैर यहूदी ज्योतिषियों के सामने स्वयं को प्रकट करके सारी मानव जाति की रक्षा की ओर संकेत किया। दूसरी घटना है यर्दन नदी में यीशु का बपतिस्मा। बपतिस्मा के बाद स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतरा और पिता का साक्ष्य स्वर गूंज उठा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। याद रहे यह प्रकटीकरण यहूदी जनता के सामने था। तीसरी घटना है काना का विवाह। यहां पानी को दाक्रस में परिवर्तित करके प्रभु ने अपना पहला चमत्कार किया।
और अपने शिष्यों के सामने अपनी महिमा प्रकट की और शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। आज के पर्व में इन तीनों घटनाओं की याद की जाती है। मुख्य बात यह है कि ईश्वर विविध रूपों में मनुष्य के सामने स्वयं को प्रकट करता है। विश्वास की दृष्टि से हम देखें तो हमारे चारों ओर ईश्वर का प्रकटीकरण होता रहता है। प्रकृति की वस्तुओं, घटनाओं तथा व्यक्तियों के माध्यम से ईश्वर हमसे बोलता है, अपना प्रेम, करुणा और शांति की घोषणा करता है। यह हमें डराने या धमकाने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह भरोसा दिलाने के लिए कि मैं इम्मानुएल हूं, तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें शक्ति और ज्योति प्रदान करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। दुख तकलीफों में, दुविधाओं में, निराश करने वाली परिस्थितियों में, पराजय के भय में, एकाकीपन की चिंता में ईश्वर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ चलने वाले ईश्वर की आवाज को जानकर विषम परिस्थितियों का डटकर सामना करने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। जय श्री।